हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, मैथ्स की क्लास का आज हमारा टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग। जी हां दोस्तों, कल हमने इसके बारे में रैंकिंग के बारे में बेसिक चीज़ पढ़ी थी। फ्रेंड्स, ऑर्डर वाले क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि कैसे होते हैं, इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे हम, है ना। कि बस आप लोगों को पांच नाम दे देंगे, इनसे बोलेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अपन इसके बाद करेंगे। जो टॉपिक ज़रूरी है वो टॉपिक मैं पहले करवा रहा हूँ, तो साथ में करेंगे। रैंकिंग खत्म होने के बाद जैसी होगा तो ऑर्डर चालू कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आज रैंकिंग के क्वेश्चंस मैं बहुत सारे करवाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, और शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ बीच बीच में। जी हाँ दोस्तों, रैंकिंग के फॉर्मूले के साथ भी और ट्रिक के साथ भी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा रैंकिंग के क्वेश्चन। जितने भी नए बच्चे चैनल को देख रहे हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सभी बच्चों को वीडियोज पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले, और फ्रेंड्स इससे पहले भी मैंने बेसिक चीज़ें बता दी हैं, फॉर्मूले बता दिए हैं रैंकिंग के, तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की। तो क्लिक करते ही आप, है ना, सबसे पहली क्लास जो इसकी है, जो मैंने कल बनाई थी इससे पहले, उस क्लास पर आप पहुंच जाओगे, तो पहले उसको ज़रूर देख लेना दोस्तों, है ना। चलिए तो अब आपके सामने क्वेश्चन है कि ए इज़ 20 फ्रॉम द लेफ्ट, कि ए इज़ 20 फ्रॉम द लेफ्ट, है ना। बी इज 25 फ्रॉम द राइट, बी इज 25 फ्रॉम द राइट। इफ ए एंड बी इंटरचेंज देयर प्लेस, इफ ए एंड बी इंटरचेंज देयर प्लेस, एज न्यू प्लेस इज 40। यानी कि अगर ए यहां पे बैठ जाए तो यहां पे कितने 40वें नंबर पर आएगा आगे से, है ना। आगे से कितने नंबर पे चले जाएगा वो 40वें पे, कौन, ए, ठीक है। अब इससे तीन क्वेश्चन बनते हैं कि टोटल कितने बच्चे हैं, ए और बी के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, और या फिर बी की जगह क्या होगी अगर ए 40 नंबर पर पहुंच गया है आगे से, तो पीछे से बी कितने नंबर पर आएगा, अब आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर से शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, है ना, कि एक एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है यहां पर, अपन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं आपको, है ना। ए आगे से 20 नंबर पे, बी पीछे से 25 नंबर पे। अब जो सबसे आसान होता है वो होता है टोटल निकालना। जी हाँ दोस्त, कि क्लास में कुल संख्या कितनी है, तो कुछ नहीं करना होता है, 20, ठीक है, 20 लिया टोटल, है ना, 20 ये हो गया। अब ए की अगर जगह चेंज करे तो कितने नंबर पे हो रहा था, कितने नंबर पे हो रहा था, 40 नंबर पे हो रहा था ना, 40 नंबर पे हो रहा था ना। इसमें लिखा हुआ है ना कि अगर ए अपनी जगह बी के साथ इंटरचेंज करे तो वो 40 नंबर पे पहुंच जाता है, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये 40 और उसके नीचे लिखा 25 प्लस करके उसमें से एक माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 64। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में कितने बच्चे हैं, 64 बच्चे हैं, 64, ठीक है। तो ये टोटल वाले का आंसर आ गया आपका 64, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उनसे बोला है कि यहाँ पे ये आगे से 20, ये पीछे से 25, ए आगे से 20, बी पीछे से 25, तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, क्योंकि इनकी जगह इंटरचेंज करके बताइए कि भैया ये 40 पे चला जाएगा ए अगर बी के साथ इंटरचेंज करता दूं। तो देखते हैं दोस्तों इनके बीच कितने लोग बैठे हैं, कैसे निकालेंगे दोस्तों बताइए। हाँ बताइए, कोशिश कीजिए। है ना, चलिए देख लेते हैं। एक बात बताइए, 20 यहां पर थे, अगर ये जगह चेंज करके उधर साइड जाता तो 40 हो जाते, यही हो रहा था ना। तो एक बात बताओ, 20 से लेकर 40 के बीच में 20 और 40 को छोड़ना है, इस चीज को ध्यान रखना, आपसे बोला बीच में इन दोनों के, 20 से जगह 40 के बीच में कितनी संख्या हो जाती है, 19, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, आप लोगों से बोला इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 19, ठीक है। हाँ लगातार देखना, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ट्रिक के साथ भी आगे क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब जैसे ये पूछा गया है कि अगर ए आगे से पहले 20 नंबर पे था और अगर ये बी के साथ में अपनी जगह बदल ले तो ये 40 नंबर पे पहुंच जाता था, है ना, जबकि बी जो है 25 नंबर पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपसे बोला था कि अगर जगह चेंज कर ले
तो ये कितने पे जाएगा? तो यहां से गया तो इधर 20 प्लस हुआ था, है ना, 20 प्लस हुआ था ना, तो इधर भी 20 प्लस हो जाएगा, तो 25 और 20 कितने हो जाते हैं 45, यानी बी की जगह हो जाएगी 45, बस इतना ही करना होता है। ठीक है, ये तो था एक क्वेश्चन जिससे तीन क्वेश्चन बन रहे थे। अब मैं आप लोगों को ट्रिक और साथ में क्वेश्चन के फॉर्मूले के साथ में एक चीज समझाता हूं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके एग्जाम में। ये रहा जैसे आपके सामने क्वेश्चन कि एक क्लास में यानी कि कक्षा में 31 स्टूडेंट्स हैं, अर्थात 31 विद्यार्थी हैं। अब उनमें बोला है कि 31 विद्यार्थियों के सबसे बीच में माधव बैठा है 17वें नंबर पे। अब बीच में बैठा है मतलब राइट से भी ये 17वें नंबर पर है, है ना, राइट से भी ये 17वें नंबर पर है, है ना, 31 बच्चों की प्रेजेंस में, है ना, कहां से ये 17, माधव का स्थान 17वां है, ठीक है ना, बीच में 17वां है। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है बताएं कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। अब बच्चे क्या करेंगे, 31 में से 17 माइनस कर देंगे और सोचेंगे आंसर आ गया, तो गलत आया है। 31 में से 17 माइनस करोगे तो 14 बचेगा और 14 आंसर नहीं है, गलत हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जब आपको टोटल दिया होता है और एक साइड से आपको दिया होता है कि इतने नंबर पर बैठेगा, ये साइड एस है ना, और उसमें क्या करना होता है आपको प्लस वन, ठीक है, तो टोटल है बच्चे 31 माइनस करेंगे 17 और उसमें प्लस कर देंगे 1। कल के कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया है कि 1 कहां से आता है, ये वाला फॉर्मूला पूरा समझाया दोस्तों मैंने ना, तो आप लोग कल वाली क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31 माइनस 17 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसका आंसर होगा सी वाला ऑप्शन 15। ये वाला मैंने कल ही समझाया कि अगर टोटल दिया हो और एक तरफ वाला दिया हो तो दूसरी तरफ से निकालने का पूछे कि दूसरी तरफ से उसका स्थान क्या होगा, तो इस तरीके से निकाला जाता है, टोटल माइनस लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड से भी पता है, राइट साइड से निकालने का बोला है, प्लस वन। ये फॉर्मूला कल मैंने समझाया भी था आप लोगों को, है ना। चलिए अगला सवाल, 30 सेकंड का समय देता हूं, बताइए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अब बता दो क्या आंसर होगा, बताइए दोस्तों। 30 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, फटाफट बताइए। कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, हार मानने की जरूरत नहीं है, है ना, हम लोग स्वस्थ हैं सब, हाथ पैर मुंह गला सब स्वस्थ है हमारा। जिनके हाथ नहीं होते उनके बारे में सोचो, जिनकी टांगे नहीं होती उनके बारे में सोचो कि जरा कि उन, फिर भी वो लोग मेहनत करते हैं, हम लोग देखते हैं, दुनिया घूमते हैं ना तब देखते हैं ऐसे लोगों को, तो उनको सोच के ही बस मेहनत करो कि हमारे पास दिमाग है, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी चीज हथियार दिमाग, तो उसका इस्तेमाल सही चीज में करो, पढ़ाई में करो। ये आसान सा क्वेश्चन था, जब मैंने बोल दिया टोटल हैं आपके 43 बच्चे, ऊपर से क्रम आ रहा है आपका 14, तो इसमें माइनस करना और प्लस 1 करना, क्योंकि उसी वाले का पूछा है कि नीचे से कितना होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, 43 माइनस 14 करोगे तो 29 हो जाएगा, और 29 में 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा 30, आपका आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन 30, ठीक है। टोटल माइनस ऊपर ले लो, साइड ले लो, कोई सी भी ले लो जो एक दियो, ठीक है, तो लेफ्ट प्लस 1, ठीक है, कोई सी भी एक साइड से उसका स्थान दिया हो टोटल में से, तो आपको ये वाला नंबर, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, 42 स्टूडेंट्स हैं कि कक्षा में, सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है, उस क्रम के अंत में कितने स्टूडेंट, तो बता दीजिए दोस्तों उस क्रम में अंत से कितना नंबर है उसका, यही पूछा है, बता दीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन, फिर से 30 सेकंड दे रहा हूं, बताइए क्या आंसर होगा। दस सेकंड बचे हैं फ्रेंड्स, फटाफट कीजिए। देख लें दोस्तों हम, जी हाँ बिल्कुल, 42 यानी 42 छात्र हैं टोटल, ऊपर से उसका क्रम 16 है और आपसे पूछा है कि नीचे से क्या होगा उसका, तो 42 माइनस 16 करेंगे तो 26 प्लस 1 27 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन है,
ठीक है, बात समझ में आई कैसे करना है इसको। ये क्वेश्चन सीधे आते हैं छोटी एग्जाम्स में और अपन सब छोड़ के आते हैं फ्रेंड्स, है ना, ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सेम टू सेम सवाल वापस से रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में रटा जाए कि कैसे करना है ये क्वेश्चन, है ना, एग्जाम में भूल ही नहीं पाओगे ये, ठीक है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। 30 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए। दस सेकंड बचे हैं फ्रेंड्स, फटाफट कीजिए, बड़ा ही आसान सा सवाल है। देखें फ्रेंड्स, विद्यार्थी के एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है ना, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक क्रमांक दिया ना एक तरफ से, ठीक है, बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा, ठीक है, उसी का पूछा है, प्लस वन कर दिया, काम खत्म। 40 टोटल एक तरफ से दिया हुआ, अगर दूसरी तरफ से पूछे तो क्या करना है आपको, टोटल में से एक साइड माइनस करना है और प्लस वन कर देना है, ठीक है। तो आपका अब आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 40 में से 19 जाए तो 21 बचता है और 21 में एक प्लस कर दे तो आपको बचेगा 22, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 22वां ऑप्शन, ठीक है, हाँ ए वाला ऑप्शन यानी 22वां, ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए ठीक है, अगला सवाल, फिर से 30 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए, इजी क्वेश्चन है, बताइए। दस सेकंड बचे फ्रेंड्स, फटाफट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं सभी के आंसर आ जाएंगे। देख लें फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। 38 छात्रों की एक कक्षा में शाम का क्रमांक ऊपर से 18 है तो नीचे से कितना होगा, तो 38 - 18 + 1, यानी कि 38 में से 18 माइनस कर दें तो 20 बचता है, 20 में 1 प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 22, यानी कि सी वाला ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा, आंसर आ रहा है 22, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई कैसे करना है, कितना आसान है, टोटल में से एक साइड माइनस कर दो और प्लस वन कर दो, बात समझ में आ रही है। ये क्यों अब इतना मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार करवाए, ये अगला क्वेश्चन करते ही आपको समझ में आएगा। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आप बताइए इसमें क्या करते हैं आप, अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूं आपको तो अब आप इसमें क्या करोगे मेरे को ये बता दो आप तो बस। विद्यार्थी की एक कतार में ऋतु बाएं से 11वें तथा दाएं से 19वें नंबर पर है, यदि मीनू उसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पर हो तो बताएं कि इस कतार में मीनू का बाएं से कौन सा स्थान होगा। अब आपको पहले टोटल निकालना है और फिर सेम टू सेम फॉर्मूला लगाना है, कोई नहीं फ्रेंड्स, बहुत इजी है, पहले आप 30 सेकंड का समय देता हूं, कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, पहले कोशिश करो आप। आसान सवाल है, आराम से कीजिए, कोशिश कीजिए। देखें फ्रेंड्स कैसा होगा, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक इसको कर भी लिया होगा, है ना। अब बड़ा ही आसान सवाल आपके सामने ये है कि भैया
बाएं से 11वें स्थान पर, मतलब बाएं, बाया मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है ना, बाएं से 11वें स्थान पे, ठीक है लिख देते हैं भैया, और दाएं से 13वें स्थान पर मीनू है, ये ऋतु है, ये मीनू है, ठीक है। हाँ, 11वें स्थान ये दिया हुआ विद्यार्थी की कतार में ऋतु बाएं से 11वें तथा दाएं से। अच्छा, यहाँ पर पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन, टोटल निकालना पड़ेगा कि भैया जो ऋतु है वो राइट लेफ्ट से 11वें नंबर पर है और राइट से 19वें नंबर पर है। एक बात बताओ, 11वें और 19वें नंबर पर मतलब ये बैठी तो यही है ना, और 11वें के इधर साइड कितने स्टूडेंट्स हैं, 10, यानी 19 के आगे कितने स्टूडेंट्स होंगे, 10 होंगे ना, तो टोटल कितना होगा, 29। मैं निकालना सिखा दूंगा कि कैसे निकालते हैं, लेकिन सोचो तो सही, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। देखो मैं बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो भैया, तुम ऋतु तुम खुद ही हो, ठीक है, ऋतु जो हो वो तुम खुद ही हो, तुम यहाँ से इस वाली रो में तुम 11वें नंबर पर बैठे हो, यहाँ से तुम 19वें नंबर पर बैठे हो, बैठे तो एक ही जगह पे हो ना, 11वें के पहले कितने बच्चे थे, 10 बच्चे थे ना, तो अगर अपन पीछे से गिने तो 19 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 29, यानी टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं, 29। अब इसको फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, फॉर्मूला ये होता है कि ऋतु राइट से कितनी जगह पे बैठी है प्लस लेफ्ट से कितनी जगह पे बैठी है और माइनस 1, यानी ऋतु बैठी थी 11 प्लस 19 माइनस 1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको करेंगे तो 11 और 19 कितना हो जाता है, 30, 30 माइनस 1 29, यानी टोटल स्टूडेंट्स तो आ गए अभी 29, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ ये ना ये वाली लाइन खत्म हुई है, इस दो क्वेश्चन को मिला दिया गया है फ्रेंड्स और कुछ नहीं किया है, दो क्वेश्चन को मिला के आपके सामने रख दिया और आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अब आपसे पूछा है, अब याद रखना टोटल बच्चे कितने हो गए, 29 हो गए टोटल। अभी अपन ने जो क्वेश्चन पहले कर रहे थे क्या कर रहे थे, कि अगर एक साइड से दी हो तो दूसरी साइड से कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था अभी, ठीक है। यदि मीनू उसी कतार में 13वें स्थान पर हो तो बताएं कि इस कतार में मीनू का बाएं से कौन सा स्थान होगा, बात समझ में आ गई, ये है टोटल, एक साइड दी हुई है आपको 13, ठीक है साइड दी हुई है, फिर क्या करते हैं प्लस 1, तो 29 माइनस 13 प्लस 1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17, यानी कि ए वाला ऑप्शन, बात समझ में आ रही दोस्तों। यहां पे दो क्वेश्चन एक साथ दिए हुए थे, दो क्वेश्चन एक साथ कौन से थे मैं बताता हूं, पहला क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है जिसमें कि आपको ये 11 नंबर पर है और इधर से 19 नंबर पर है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 11 प्लस 19 माइनस 1, यानी कि अगर टोटल बच्चे निकालने हो तो इस तरीके से करते हैं, लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड प्लस 1 माइनस 1 सॉरी, है ना, तो करेंगे तो टोटल बच्चे आ जाएंगे आपके पास 29, ठीक है। अब आ गए आपकी दूसरी लाइन, यहां पे भैया 29 बच्चे हैं, एक साइड दे रखी है तो उसको माइनस करेंगे, दूसरी साइड पूछी है तो प्लस 1 करके आपका आंसर निकाल लेंगे तो ये जाएगा 17, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बात समझ में आ गई, यानी मीनू बाएं से 17वें स्थान पर बैठी होगी, ठीक है। आगे करें इसी में का और क्वेश्चन लें, देखें, चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, अब आप बताओ, ये इजी वाला क्वेश्चन है, ये उससे और इजी है, कोशिश करो, फिर इसके अगला वाला इतना शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन है कि मजा आ जाएगा दोस्तों। चलिए पहले इसको सॉल्व कीजिए, इसका बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, 30 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। देखें फ्रेंड्स, देखें, चलिए देख लेते हैं। लड़कों की कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां है, दाईं ओर से, है ना, दाईं ओर से 12वां है और बाईं ओर से, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये लिख देता हूं, दाईं ओर से 12वां है और बाईं ओर से 4था है, यानी कि 4 से पहले कितने होंगे, 3 होंगे ना, तो 12 प्लस 3 15,
12 + 3 भैया ये बैठे तो एक ही स्थान पर है ना, सिर्फ आगे और पीछे से गिना जा रहा है कि इधर से चौथे नंबर पे बैठा है और इधर से 12 नंबर पे बैठा है, बैठा तो एक ही जगह पे ना, तो 4 से पहले कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे तो ये हो जाएंगे 15। फॉर्मूले से भी करके बता देता हूँ, मैंने बोला था ना दोनों को जोड़ देना और फिर क्या करना है एक कम कर देना, क्योंकि वो एक ही स्थान पर बैठा ना दो नंबर में, तो ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 15 टोटल हो गए। अब आपसे क्या बोला था कि अभी अभी कुल कितने बच्चे हैं फ्रेंड्स, 15। अब आपसे पूछा ये दो क्वेश्चन थे, ये एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे खत्म हो गया, आपने टोटल निकाल लिया, ठीक है 15 आ गए। आगे क्या है बताएं कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए, यानी इसमें कितने जोड़े हैं कि टोटल संख्या 28 हो जाए, 15 में कितने लड़कों को जोड़ा जाए कि संख्या 28 हो जाए। तो फ्रेंड्स अपन लोग ऐसी तरीके से करते थे ना, 15 में कितने लोग जोड़े जाएं कि टोटल संख्या 28 हो जाए, तो x को वहीं रखे रहने देते हैं, 28 में से 15 जब इज़ इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस की संख्या माइनस में बदल जाती है, तो 28 में से आप 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, यानी कि 13 बच्चे और जोड़ने पड़ेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बात समझ में आ गई, बी आंसर हो जाएगा, बात समझ में आ गई सबको, आसान था, इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, कोई इसमें डिफिकल्टी जैसा नहीं है कुछ कि अपन कुछ सोच रहे हैं इसमें कि बहुत बड़ी चीज हो रही है, कुछ नहीं होता है, इतना सा क्वेश्चन था, इतने से में सॉल्व हो गया, खत्म काम। ठीक है, अगला सवाल बताइए इस क्वेश्चन में कि लड़कियों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर तथा सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, जब राजन और सूरज परस्पर स्थान अपना बदल लेते हैं, यानी इंटरचेंज कर लेते हैं अपना स्थान, तो सूरज का बाईं ओर से अर्थात लेफ्ट ओर से और 27वां स्थान हो जाता है, बताएं कि राजन का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, चलिए बताइए दोस्तों, बताइए क्या आंसर होगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है फ्रेंड, पहले आप इसको करो फिर मैं बताऊंगा क्या हो। कोशिश कीजिए दोस्तों, बहुत आसान सवाल है यार ये, कोशिश तो करो। देखें चलिए, अगर आप बोलते हैं तो देख लेते हैं, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे। अभी आपको हंसी वाली एक चीज बताता हूं, लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से, दाईं ओर से मतलब यहां से भैया राइट ओर से 10वें स्थान पर है भैया राजन, ठीक है, हाँ राजन जो है वो इधर से 10वें नंबर पर है, और सूरज जो है, जो सूरज है, जी हाँ दोस्तों, जो सूरज है वो बाईं ओर से अर्थात लेफ्ट ओर से 10वें स्थान पर है, ठीक है, यानी राजन जो है वो 10वें स्थान पर है इधर से, और जो सूरज है वो भी 10वें स्थान पर है इधर से, है ना, दोनों की अलग अलग दिशा से है, ठीक है। जब राजन और सूरज परस्पर अपनी जगह बदल लेते हैं, मतलब क्या इंटरचेंज कर लेते हैं, तो बोला जाता है कि सूरज 27वें नंबर पर पहुंच जाता है, सूरज 27वें नंबर पर पहुंच जाता है, ठीक है, मतलब सूरज यहां से 27वें नंबर पर पहुंच गया। अब फ्रेंड्स मालूम है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बताएं कि राजन की संख्या क्या होगी, बताऊं अगर यहां पर संख्या एक जैसी दी हो तो ये वाली संख्या भी एक जैसी हो जाएगी, मतलब राजन भी इधर से 27वें नंबर पर पहुंच जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मैं फिर से समझा देता हूँ, शुरुआत में था कि जो सूरज है वो इधर से 10वें नंबर पर और जो राजन है वो इधर से 10वें नंबर पर है ना, तो वो अगर अपनी जगह बदल लें तो जो सूरज है वो इधर 27 नंबर पर पहुंच जाएगा, और जो राजन है वो कहाँ पर पहुंचेगा ये आपको बोला है कि इस जगह पर अगर आएगा तो कौन से नंबर पर आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब नीचे वाले ये जो नंबर अपन ने लिखे हैं कि वो इधर से इतने नंबर पे, वो इधर से इतने नंबर पर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना ऊपर वाली संख्या भी सेम हो जाएगी, अगर इधर 27 है तो इधर भी 27 आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला लॉजिक बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है
वो बच्चे वहां पे दिमाग लगाने बैठ जाते हैं कि इसमें फॉर्मूला क्या लगा है, फॉर्मूले से सॉल्व करने बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं करना है, कितना आसान सा था, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए अब आप लोग। लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं ओर दो स्थान आगे बढ़ जाता है तो वह बाईं छोर से सातवां स्थान पर हो जाता है, बताएं कि दाईं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या होगा। चलिए बताइए बताइए, इजी क्वेश्चन है, 30 सेकंड ले लीजिए, फटाफट बताइए। देख लो दोस्तों, बहुत आसान है ना। चलिए देखते हैं, आपका आसान क्वेश्चन और आसान कर देते हैं। 16 लड़कों की एक कतार में, भैया टोटल दिया हुआ, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 16 बच्चे दिए हुए। जब प्रकाश बाईं ओर दो स्थान आगे बढ़ता है, यानी कि 16 बच्चों की बैच में भाई साहब ये जो है ये दो स्थान और आगे बढ़ गए, है ना, ये 16 बच्चों की बैच है, ठीक है, इसमें ये कहीं पे बैठा हुआ है और दो स्थान जो है आगे बढ़ गया, ठीक है। अब बोला जाता है तो वह बाईं छोर से सातवें स्थान पर हो जाता है, तो वह बाईं छोर से कितने नंबर पर हो गया, सातवें स्थान पर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है, बाईं ओर दो स्थान आगे बढ़ गया। अब वो फ्रेंड्स ये बताओ कि अगर वो सातवें नंबर पर है ना, तो वह बाईं छोर से सातवें स्थान पर हो जाता है, तो बताएं कि दाईं छोर से वह कितने स्थान पर था। यानी कि एक बात बताओ मेरे को सीधे सीधे, जब अगर ये सातवें नंबर पर पहुंच गया, मतलब ये दो संख्या पहले कितने नंबर पर बैठा था, पांच नंबर पर बैठा था, है ना। हाँ एक मिनट फ्रेंड्स, है ना, एक चीज इसका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में जरा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है, एक चीज का ध्यान रखना, ये 16 बच्चे थे, है ना, प्रकाश सातवें नंबर पे पहुंच गया है, लेकिन बाईं छोर दो प्लस होके, यानी कि यहां पर ये दो प्लस होगा तो ये नवे स्थान पे पहुंच जाएगा, यानी ये नवे स्थान पे बैठा हुआ था बाईं ओर। इस चीज का ध्यान रखना फ्रेंड्स, बाईं ओर और बाएं के बहुत अंतर हो जाता है, मैंने पहली वाली क्लास में भी आप लोगों को समझाया है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। अब आपसे बोला है कि ये यहाँ पे नवे नंबर पे बैठा है, टोटल 16 बच्चे हैं, तो अब आप कैसे निकालोगे बताइए, बिल्कुल बता दीजिए, अगर आप लोग बता सकते तो कैसे निकालोगे ये बताओ। एक बात बताओ, इधर 9 बच्चे हैं ना, 9 में कितना प्लस करें कि 16 हो जाए, 7 प्लस करेंगे, यानी कि 9 और 7 16। अब जब इसके आगे 7 बच्चे हैं और इसको भी मिला लें तो कितना हो जाएगा, 8वां स्थान हो जाएगा इसका आंसर, सीधा खत्म। समझा देता हूँ एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, लगातार देखो, ठीक है भैया। हमने बोला कि प्रकाश बाईं ओर से दो स्थान आगे बढ़ जाता है, अब हमें नहीं पता कि अभी आगे कहाँ बढ़ा, क्योंकि स्थान दिया नहीं, सिर्फ इतना बच्चा है कि 16 बच्चे हैं, ठीक है। अब तो वह बाईं छोर से सातवें, बाईं छोर से मतलब इस दिशा में सातवें स्थान पे हो जाता है। आपसे बोला गया था कि वह बाईं छोर दो और बढ़ता है, तो यानी कि प्लस टू होता है, यानी कि वो पहले कितने स्थान पर बैठा था, नवे स्थान पर बैठा था, और वो इस दिशा में दो स्थान आगे खसक गया, ठीक है। अपने को मतलब अब इस 9 से है, ठीक है। अब 9 के आगे कितने बच्चे बैठे होंगे कि 16 हो जाए, 9 के आगे 7 बच्चे बैठे हैं तभी तो 16 होंगे, तो 7 बच्चे ये हैं और ये खुद है, आपसे बोला पीछे से कितने नंबर पे बैठा है, तो 7 तो ये और इसके आगे बैठा हुआ है ये खुद प्रकाश, तो 7 और 1 हो गए 8, यानी कि 8वां आपका नंबर हो गया, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, फिर कॉपी पर पेन पटक दोगे, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 30 सेकंड का समय फिर से दे रहा हूं, बताइए क्या आंसर होगा।
फटाफट बताइए फ्रेंड्स, है ना, ज़्यादा समय मत लीजिएगा, फटाफट बता दीजिएगा। किसी कतार के कुछ लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है भैया, किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं। पी जो है वो बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि पी और क्यू के बीच में चार बच्चे बैठे हैं, ये वाला कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था दोस्तों आप लोगों को, है ना, ये वाला मैंने आप लोगों को कल बहुत अच्छे समझाया था कि भैया जब पी जो है वो यहाँ से बैठा है 14 स्थान पर, क्यू जो है वो यहाँ से बैठा 7वें स्थान पर, इन दोनों के बीच में कितने हैं, चार बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, यही है ना। हाँ बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि कुल कितने बच्चे हैं। भैया पी इधर से 14 नंबर पे बैठा है, क्यू इधर से 7वें नंबर पे बैठा है और बीच में चार बच्चे हैं इन दोनों के, तो कुछ नहीं करना होता है, इन तीनों को प्लस कर देना होता है, 14 + 4 + 7 आपका आंसर हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर ए, खत्म काम। तीनों को प्लस कर दो, जब आपसे बोला जाए पी यहां से इतने नंबर पे, क्यू यहां से इतने नंबर पे और इनके बीच में इतने बच्चे हैं, तो तीनों को प्लस कर दो, जो भी आंसर आपके सामने होगा, ठीक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये। चलिए बताइए, बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27वां और नीचे से 51वां है, बताएं कि कतार में कुल कितने बच्चे हैं, बता दीजिए दोस्तों 20 सेकंड, इसमें 20 सेकंड बहुत हैं, बताओ फ्रेंड्स क्या आंसर होगा, बताइए फटाफट। देख लें फ्रेंड्स क्या होगा, ठीक है चलिए देख लेते हैं। बहुत ही आसान था दोस्तों, ये बोला गया था कि ऊपर से, ध्यान से देखना है ना, ऊपर से 27वां है, नीचे से 51वां है, ठीक है, बहुत आसान है। भैया एक बात बताओ, बैठा तो वो एक ही जगह पे है ना, 27 से पहले कितने बच्चे हैं, 27 से पहले कितने बच्चे बैठे होंगे, 26 ना, तो 51 में 26 प्लस कर दो तो 6 और 1 = 7, 5 और 2 = 7, यानी 77 आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले से भी बता देता हूँ, घबराने वाली बात नहीं है, है ना। हाँ देखो, 27 + 51, अब भी बताया था कि क्या करना होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करेंगे तो 77 आपका आंसर आ जाएगा, 27 + 51 करेंगे तो 78 में से एक माइनस कर देंगे तो 77 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, देखो समझाता हूँ, इधर से 27वें नंबर पे बैठा है, उधर से 51 नंबर पे बैठा है, ठीक है, अब उधर से देखो चाहे इधर से देखो, अब मैं इधर से आपको बता देता हूँ, इधर से भी वही आंसर आएगा, इधर 27 है, ये जगह एक ही है ना, एक ही सीट है जिसपे 27वां इधर से गिनने पर आ रहा है, उधर से गिनने पर 51वां आ रहा है, ठीक है, 51 के पहले कितने लोग हैं, 50 लोग हैं ना, तो ये 27 में प्लस कर दो तो 77 आ जाएंगे, ठीक है, अगर इधर से नहीं करना आपको, इधर से करना है, इधर साइड से देखना है, तो देखो 27 से पहले कितने बच्चे हैं, 26 है ना, तो ये 51 में प्लस कर दो तब भी 77 ही आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, किसी भी प्रकार से कर सकते हो। जब आपको बोला जाए कि एक बच्चा एक ही जगह पे बैठा है, इधर से गिनने पर 27 और इधर से गिनने पर 51 हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यानी कि 27 + 51 - 1, क्यों, क्योंकि उसकी एक सीट जो रहती है वो मानी जाती है ये, क्योंकि ये दो सीट मान जाएंगे इसे, तो इसलिए माइनस वन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल बताइए, मेहरुल निशा का है ये, बिल्कुल बताइए, लड़कियों की एक कतार में मेहरुल निशा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। चलिए दोस्तों शुरू हो जाइए, 20 सेकंड का समय दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, बहुत आसान सा सवाल है ये।
देखे फ्रेंड्स, बड़ा ही आसान सवाल है फ्रेंड्स, कोई कुछ भी नहीं करना था। देखो भैया, कहीं से भी गिनो, वो 11वें नंबर पर ही आ रही है। तो आप एक काम आसान सा कर सकते थे, क्या 11 के इधर 10 होंगे तो टोटल हो गए आपके 21, या फिर 11 से पहले इधर कितने होंगे 10, तो इधर से भी गिनोगे तो 21, 21 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब फॉर्मूले के थ्रू करें, सुनना ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू करें तो 11, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट बोला है तो दोनों ही छोर से एक ही नंबर पर बैठी है ना, 11 पे, तो लेफ्ट से भी 11 पे, राइट से भी 11 पे, तो 11 प्लस 11 22 और एक माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और सबसे आसान तरीका इतने छोटे क्वेश्चन का तो यही होता है दोस्तों कि इधर से 11वें नंबर पर है, उधर से भी 11वें नंबर पर है, तो एक बात बताओ 11वें नंबर के बाद 10 ही लोग होंगे ना, तो 11 और 10 21, बात खत्म। लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, जब भी एक व्यक्ति का नंबर दिया हो कि इधर से इतने नंबर पर है, तो इधर से ये दोनों एक ही नंबर पर आ रहा था 11, तो बड़ा ही आसान हो गया, 11 प्लस 11 माइनस वन 21 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई सारे क्वेश्चंस, और कुछ भी क्यों रही हो ना फ्रेंड्स, तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दो, तो मैं फ्रेंड्स आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने अभी आखिरी तक इस वीडियो को वॉच किया उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम डाल देना, हम वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द तैयार कर देंगे। जितने भी नए बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स, ताकि वैकेंसी की जानकारी और नए वीडियोस की जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, मिलते हैं अगली क्लास में।